हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 के दो ही क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज हम करेंगे, कंप्लीट कर देंगे आज 9.1 को। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, लीड्स टू द लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लो। 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, विच इज अप्रोचिंग approaching the foot of the tower with a uniform speed, six seconds later the angle of 6 seconds later, 6 seconds later, the angle of depression of the car, the angle of depression of the car, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. is found to be 60 degree. Find the time taken by the car, to reach the foot of the tower from this point, पहले मैं फिगर बना लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ।
क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहां तक जा रहा है, फुट ऑफ द टावर तक। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, टॉप पे खड़ा है, ऑब्जर्व्स ए कार, वो एक कार को नोटिस करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो नोट करता है कि 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ फुट ऑफ द टावर के पास आ रही है। अब कह रहे हैं 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था, लेकिन आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें टाइम निकालना है टेकन बाय द कार, जो कार लेती है टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की, तो चलो जब मैं करूंगी फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर डीसी बी एच मीटर। मान लेते हैं कि ये मुझे, ये जो हाइट ऑफ द टावर है डीसी वो कितनी है, एच मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर डीसी बी एच मीटर। समझ आ गई, ये क्या है हमारे पास, ये टावर है। हमने मान लिया कि इसकी हाइट जो है, डीसी की हाइट जो है वो एच मीटर है। समझ आ गई। एंड द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड। और मान लिया कि स्पीड जो है वो कार की जो है, स्पीड किसकी, कार की स्पीड जो है वो एक्स मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब 6 सेकेंड्स में ये उन्होंने बताया ना कि जो 6 सेकेंड्स के बाद, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन अगर स्पीड उसकी एक्स होगी तो देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड्स इज कितना हो जाएगा, 6x मीटर। कितना हो जाएगा, 6x मीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 6x। कितना हो जाएगा ये, 6x, क्योंकि 6 सेकेंड्स दिए हुए उन्होंने, तो यहां पर 6x हो जाएगा। ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। उसने बी से सी पे जाना है, फुट ऑफ द टावर जाना है। उसने कहां पे पहुंचना है, फुट ऑफ द टावर, यानी यहां पर। तो ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम बी टू सी बी टी सेकेंड। कितना मान लेते हैं, टी सेकेंड, बी टी सेकेंड। देन द डिस्टेंस, ठीक है, समझ आ गई यहां तक। देन द डिस्टेंस बी सी विल बी टी एक्स मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी एक्स मीटर। समझ गई, यहां तक समझ आ गई। चलो अब ट्रायंगल ले लेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, नाउ इन राइट ट्रायंगल डी सी बी।
बीसीबी में क्या हो जाएगा, टैन 60 डिग्री, पता है ना, इज इक्वल टू साइन अपोजिट टू, यानी डीसी डीसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू डीसी अपॉन बीसी। अब टैन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। टैन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3, इट इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू बीसी, कितना है हमारे पास बीसी है हमारे पास एच अपॉन बीसी, कितना है बीसी है टी एक्स। देख लो यहां तक समझ आ गई है, अच्छी तरह देख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 टी एक्स, इसको रख लो नंबर 1, ठीक है। अब ट्राइंगल ले लो एसीडी, नाउ इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी में क्या हो जाएगा, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू डीसी अपॉन एबी, डीसी अपॉन टैन 30 डिग्री, एसीडी और डीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू डीसी अपॉन एसी, इट इंप्लाइज। अब टैन 30 डिग्री कितना होता है बोलो जल्दी, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, इट इंप्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू डीसी, तो हमारे पास है एच अपॉन एसी, कितना है हमारे पास एसी हो जाएगा 6x प्लस टी एक्स, ठीक है ना। एसी जो है वो कैसे बना है, एसी बना है ए बी प्लस बी सी, तो 6x प्लस टी एक्स, ठीक है। इट इंप्लाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू 6x प्लस tx, 6x प्लस tx, और इसको क्या रख लेंगे, इसको नंबर सेकंड रख लेंगे, नहीं भी रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहां तक देखो पहले, अंडर रूट ऑफ 3h ठीक है इज इक्वल टू 6x प्लस tx, देख लो शाबाश। इट इंप्लाइज 6x प्लस टीएक्स, आगे पीछे कर लिया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3h, इट इंप्लाइज इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम यहाँ h की जगह लगा लेंगे अंडर रूट ऑफ 3 टीएक्स, और ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये हमें कहां से मिली है वैल्यू, फर्स्ट से, हमने फर्स्ट से पहले ही ये वैल्यू निकाल के रखी थी तो हमें ये मिल गई। देख लो अच्छी तरह, x इंटू 6 प्लस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 टी एक्स, अब ये वाला x और ये वाला x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इंप्लाइज 6 प्लस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 हो जाता है 3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 3 और साथ में टी, इट इंप्लाइज अब क्या हो जाएगा, 6 यहां रहने दो इज इक्वल टू 3t, ये है ये वाला t इधर चला जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, इट इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू 3t में से एक टी निकाले 2t, इट इंप्लाइज 2t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 वन्स आर 2, 2 थ्रीज आर 6, इट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 3, तो टी क्या आ गया हमारे पास 3। हेंस द रिक्वायर्ड टाइम, नीचे आप लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छी तरह देख लो फिर नेक्स्ट करेंगे, शाबाश।
देख लिया। चलो फिर नेक्स्ट करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ ए टावर क्या है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री टावर इज 6 मीटर प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर तो हमें प्रूव क्या करना है? जो हाइट है टावर की वो कितनी है? 6 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैं अभी समझाती हूँ दोबारा। पहले मैं आप लोगों को फिगर बना के बता दूं। क्वेश्चन है बेटा हमारा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। क्या है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर ठीक है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहता है जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है
ऑफ द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीमेंट्री है। ये एक थीटा होगा, कंप्लीमेंट्री मीन्स अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, समझ आ गई। फिर कहता है विद इट आर कंप्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमने ये बताना है कि जो हाइट है टावर की ए बी वो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। हमने तो प्रूव कर ली है, लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि इसके टावर की हाइट जो है वो एच मीटर है। अब हमें क्यू बी भी दिया हुआ है, ये 9 मीटर है पूरा, ठीक है। अब गिवन पी बी इज इक्वल टू, गिवन पी बी इज इक्वल टू 4 मीटर, क्यू बी इज इक्वल टू 9 मीटर, क्यू बी दिया हमें 9 मीटर, और एंगल ए क्यू पी, ए क्यू बी लिख लो, इज इक्वल टू थीटा जो हमें दिए हैं, ठीक है। एंड एंगल ए पी बी, एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, बोथ आर कंप्लीमेंट्री, दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। समझ गए आप लोग, तो चलो ए बी पी ट्राइंगल ले लो। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, कौन सी ट्राइंगल ली है पहले हमने, ए पी बी या ए बी पी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है एंगल, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पता है ना आप लोगों को, इट इंप्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है एच और पी बी है हमारे पास 4। देख लो यहां तक अच्छी तरह, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। तो अगर क्लास क्लास मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा, इसको रख लो नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल ए क्यू बी, कौन सी लेंगे, ए बी क्यू, या इन ट्राइंगल ए बी क्यू। अब इसमें सिर्फ क्या है, टेन थीटा है, वहां 90 डिग्री माइनस थीटा था, यहां पर सिर्फ थीटा है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू बी, ए बी अपॉन क्यू बी, ठीक है। ए बी है हमारे पास एच और क्यू बी है हमारे पास 9। देखो अब अच्छी तरह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 9 टेन थीटा, इसको रख लो नंबर सेकेंड, इसको क्या रख लो नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू वी गेट, अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलता है, ये फर्स्ट है ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, एच इंटू एच इज इक्वल टू 4 cot theta into 9 tan theta, देख लो अच्छी तरह, h into h is equal to 4 cot theta into 9 tan theta, देखो
इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36 cot थीटा इंटू टेन थीटा। अब cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गए। देखो यहां पर इट इम्प्लाइज एच स्केयर इज इक्वल टू 36। इट इम्प्लाइज एच का स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गए। इट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो नीचे आ जाएगा हेंस द हाइट ऑफ द टावर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई हमारे पास बेटा? ये जो हाइट ऑफ द टावर है ये हमारे पास आ गई 6 मीटर। देख लो, अच्छी तरह देख लो। देख लो इस क्वेश्चन को। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो आज खत्म हो गई है। कल हम नेक्स्ट करेंगे। तो कल ही मिलते हैं आप। थैंक यू।